हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल यादव एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक एवरीथिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स का या फिर कह लीजिए ट्रिक्स का, जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी डेली वर्क में। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक साथ कई सेल्स में सेम नंबर या फिर कोई वर्ड, डिजिट या फिर कोई कुछ भी इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल, हमें वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद नंबर टाइप कर देना है जो हमें चाहिए और कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर देनी है। तो देखिए, ये सारे नंबर वो सभी सेल्स में आ चुके हैं। ये फिर से देख लेते हैं। हमने वो सेल सेलेक्ट की, उसके बाद नंबर इंसर्ट किया और कंट्रोल के साथ एंटर वाली की प्रेस कर दी हमने। ये तो देखिए, सभी सेल्स में नंबर आ चुके हैं। इसी तरह हमें अगर कोई वर्ड या फिर कोई लेटर लिखना हो, जैसे हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए ABC लिखा हमने, अब उसके बाद हमें कंट्रोल प्रेस किया और अब हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो देखिए, सभी सेल्स में वो नंबर आ वो वर्ड आ चुका है ABC। इसी तरह अगर कुछ हमें सिलेक्टेड जगह, मान लीजिए हमको यहाँ ABC नहीं चाहिए या यहाँ नीचे, तो हमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल, पहले तो हम कंट्रोल दबाते हैं और वो सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ हमें दूसरा नंबर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। देखिए, हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम कंट्रोल छोड़ देंगे, उसके बाद हमें वो नंबर चाहिए टाइप कर देंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दें। देखिए, तो बाकी सेल्स में देखिए सेम नंबर वो इंसर्ट हो चुका है, देख रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है आपको नंबर, इसके लिए हमें ये नहीं करना है, आपको ड्रैग नहीं करना है, बार बार टाइप नहीं करना है, या फिर हमें इससे फुर्सत मिल जाती है ड्रैग करने से। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, हम सीधे वो सेल वो सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर टाइप करके सीधे कंट्रोल के साथ एंटर वाले की प्रेस कर देंगे और देखिए एक साथ सभी नंबर कैसे आ जाते हैं सेम सेल्स में। सेकेंड, हम बात करते हैं एडिशन का। नॉर्मल हम क्या करते हैं, हमको एडिशन चाहिए तो हम आपसे ऑटो सम वाला मीनू हम प्रेस करते हैं, जो हमारा ऑप्शन है उस पर हम प्रेस करते हैं और एंटर दबाते हैं तो एडिशन होता है। या हमें एक साथ चाहिए किसी के नंबर का एडिशन, तो भी हम सेलेक्ट करने पर हम ऑटो सम दबाते हैं। देखिए, ऑटो सम हो जाता है, लेकिन देखिए साइड में आ गया है, हमें सेलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया, तो देखिए ऑटो सम हो गया है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है और कुछ नहीं, हमें सीधे ऑल्ट के साथ इक्वल टू वाला की प्रेस कर देना। देखिए, सभी नंबर एंटर हो गया एक बार में। हम फिर से देख लेते हैं, हमने वो सारे सेल सेलेक्ट किया जहाँ हमको एडिशन चाहिए और ऑल्ट दबाया हमने और उसके साथ इक्वल टू वाला की प्रेस कर दिया और देखिए सभी नंबर ऐड हो गए। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, हमें बार ये जो डेली वर्क करते हैं उनको लिए काफ़ी आसानी होगी इसको इसका यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, अगला हम बात कर लेते हैं, हमें जैसे नॉर्मल एक हमको यहाँ पर एक और कॉलम और चाहिए हमें, तो उसके लिए हम नॉर्मली इंसर्ट दबाते हैं और हमें यहाँ पर अगर रो चाहिए तो हम यहाँ पे इंसर्ट वाली की प्रेस करते हैं, इंसर्ट के मेनू पे जाते हैं। देखिए इंसर्ट, तो इसके लिए सबसे सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हम ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस वाली की प्रेस कर देंगे, प्लस। ये देखिए, ये प्लस वाली की हम जितनी बार दबाएंगे वो उतनी बार उतने ही कॉलम ऐड कर देगा। सेम इधर रो में भी कंट्रोल के साथ हम प्लस वाली की दबाएंगे और ये देखिए सारे रो वो इसमें जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और सिंपल, और इसी को अगर हमें हटाना है तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस वाली की प्रेस कर देंगे। देखिए, ये देखिए माइनस जितनी बार हम करेंगे उतने वो कॉलम हटा देगा। वैसे ही रो में भी हम इसे वही सेम करेंगे, कंट्रोल साथ माइनस, ये देखिए और सारे रो गायब हो जा रहे हैं। तो ये कुछ आसान ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो डेली वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगा।